वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए मैं स्पेशल लेकर आया हूँ खेल परिदृश्य 2023 तक, यानी कि अभी तक जनवरी से लेकर जुलाई 2023 तक जितने भी खेल हो चुके हैं, जितने भी खेल से संबंधित जो शानदार क्वेश्चन बनते हैं, तो इस पूरी क्लास के अंदर अपने आराम से चर्चा करेंगे। पूरा आपको मैं जनवरी से लेकर जुलाई तक है, पूरा आपको एकदम खेल प्रदेश एकदम क्लियर करवाऊंगा करंट में। तो आपको इसके अंदर अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की आपके लिए लगभग ये लगभग 30 से 40 मिनट की अपनी ये क्लास रहेगी खेल प्रदेश की। तो आपको मैं जनवरी से लेकर जुलाई 2023 तक है, इसके अंदर आपको खेल के अंदर जो करंट की क्वेश्चन बनते हैं उसका मैं आज इस क्लास के अंदर आपका सुपड़ा साफ करवाऊंगा। तो जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास रहे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो अभी मैं एक दिन छोड़कर आपको इस तरह की क्लास मिलती रहेगी। जैसे आज मैं खेल प्रदर्शन करवाऊंगा, फिर आपको एक दिन छोड़ के बीच में फिर आपको अलग से मैं पुरस्कार करवाऊंगा, फिर एक दिन छोड़ के जैसे युद्ध अभ्यास करवाऊंगा। इस तरह आपको लगातार आपको इस तरह की मेरी क्लास है मिलती रहेगी। जनवरी से लेकर अब तक जितने भी जो शानदार अलग अलग जो पुरस्कार खेल पोर्टल सब आपको मैं धीरे धीरे करवाऊंगा, बढ़िया तरीके से आपका करंट है मजबूत होता जाएगा। तो आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, और जिस विद्यार्थी ने ये क्लास बढ़िया तरीके से देख ली उसका खेल के अंदर कोई भी करंट का क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। पहला क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत 27 पदकों के साथ कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ये आज मैंने आज सुबह ही अपनी जो करंट की क्लास आती है 6 बजे उसके अंदर मैंने आपको करवाया है। तो इसमें भारत का तीसरा स्थान है, ठीक है? कौन सा? भारत ने टोटल 27 पदक जीते, इसके अंदर भारत का तीसरा स्थान है। किसके अंदर? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप है 2023 के अंदर, ठीक है? देखो, ये थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 27 पदक जीतकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान है प्राप्त किया है। बैंकॉक में आयोजित 5 दिवसीय ये 12 से 16 जुलाई एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के अंदर भारत ने अब तक की दूसरी श्रेष्ठ है ये जीत हासिल की है, ठीक है? तो याद रखना, तीसरा स्थान हासिल किया, टोटल कितने पदक जीते? 27 पदक जीते, इसके अंदर 6 स्वर्ण 12 रजत और 9 कांस्य पदक, टोटल 27 पदक जीते हैं। पहले स्थान पे है जापान, जापान ने 37 पदक जीते हैं, और दूसरे स्थान पर है चीन, जिसने चीन ने 22 पदक जीते हैं। तो भारत का तीसरा स्थान है जिसके अंदर 27 पदक जीते हैं। तो आज सुबह ही मैंने पूरा जो है पूरी डिटेल मैंने आपको सुबह करंट की क्लास के अंदर करवाई है। भारत के अजीत सिंह ने पेरिस में पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत के हैं कौन है? अजीत सिंह, उन्होंने किस खेल के अंदर स्वर्ण पदक जीता? तो इन्होंने जीता है भाला फेंक के अंदर, ठीक है? किसमें जीता है? भाला फेंक के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये भारत के उत्तर प्रदेश के निवासी अजीत सिंह ने पेरिस के अंदर पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया। अजीत ने फाइनल के अंदर 65.41 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान हासिल किया। तो ये याद रखना, शानदार पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं भाला फेंक के खिलाड़ी अजीत सिंह, और इन्होंने पैरा एथलेटिक्स के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप में भारत के लिए पृथ्वीराज टोडाईमन ने कौन सा एकमात्र पदक जीता है? तो आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप के अंदर भारत के लिए पृथ्वीराज टोडाईमन ने कौन सा एकमात्र पदक जीता? तो वो जीता है, ध्यान रखना, कौन सा? कांस्य पदक जीता है, ठीक है? कौन सा? कांस्य पदक। ये साथ साथ में पूरी डिटेल में लेकर आया हूं। ये इटली के लोनाटो में आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप में भारत के लिए एकमात्र पदक पृथ्वीराज टोडाईमन ने जीता, जिन्होंने ट्रैप स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, और पृथ्वीराज ने कुल 34 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। तो ये सारी डिटेल आपको बढ़िया तरीके से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। किस टेनिस खिलाड़ी ने विम्बलडन 2023 फाइनल खिताब जीता है? किस टेनिस खिलाड़ी ने विम्बलडन 2023 का फाइनल खिताब जीता? तो ये जीता है कार्लोस अल्काराज ने। किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने विम्बलडन 2023 का फाइनल खिताब जीता है। विम्बलडन 2023 पुरुष एकल फाइनल, जिसमें कार्लोस अल्काराज ने 4 बार के गत चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराकर इस चैंपियनशिप में पहला खिताब जीता है। महिला एकल में
मार्गरेटा वोंड्रोसोवा विम्बलडन चैंपियन है बन चुकी है। यानी कि खास तौर से आपको जो महिला वाला होता है ना, लगभग एग्जाम के अंदर क्या है, महिला से संबंधित क्वेश्चन आता है करंट में, तो महिला वाला वो आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। तो महिला के अंदर किसने जीता, मार्गरेटा वोंड्रोसोवा ने विम्बलडन चैंपियन है बन चुकी है, और पुरुषों के अंदर कार्लोस अल्काराज विम्बलडन 2023 चैंपियन बन गए हैं। कौन सी टीम दिलीप ट्रॉफी चैंपियन बनी है हाल ही में, कौन सी टीम है वो दिलीप ट्रॉफी चैंपियन बन चुकी है, और वो है साउथ जोन। ठीक है, कौन सी बन चुकी है, साउथ जोन ने क्या फाइनल के अंदर किसको हराया, वेस्ट जोन को। ठीक है, फाइनल के अंदर है वेस्ट जोन को हराया, और साउथ जोन है वो 14वीं बार दिलीप ट्रॉफी चैंपियन का खिताब है जीता है। ये हनुमा विहारी की अगुवाई वाली साउथ जोन टीम ने दिलीप ट्रॉफी 2023 के फाइनल मुकाबले में वेस्ट जोन को हराकर खिताब अपने नाम है किया है। साउथ जोन ने 14वीं बार दिलीप ट्रॉफी चैंपियन है बन चुकी है, तो ये याद रखना 14वीं बार साउथ जोन है वो दिलीप ट्रॉफी चैंपियन है बन चुकी है। शुभम टोडगर ने सीनियर कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में 61 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर कौन सा पदक जीता है, तो एक ध्यान रखना भारतीय खिलाड़ी है शुभम टोडगर, इन्होंने सीनियर कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 के अंदर 61 किलोग्राम के अंदर कौन सा पदक जीता, इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। भारत के शुभम टोडगर और पोपी हजारिका ने क्रमशः पुरुषों के 61 किलोग्राम और महिलाओं के 59 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये ध्यान रखना एक महिला भी है पोपी हजारिका, इसने भी 59 किलोग्राम के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशिया अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय सेल्वा प्रभु तिरुमरन बने हैं, इनका संबंध किस खेल से है, तो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशिया अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय सेल्वा प्रभु तिरुमरन बने, इनका संबंध किस खेल से है, तो यह है जंपर के खिलाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, किसके हैं, जंपर के खिलाड़ी। ये भारतीय ट्रिपल जंपर सेल्वा प्रभु तिरुमरन को एशिया एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशिया अंडर 20 पुरुष एथलीट नामित होने वाले पहले भारतीय ये बन चुके हैं, तो याद रखना वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशिया अंडर 20 पुरुष एथलीट बनाने खिलाड़ी बन चुके हैं, कौन है, यह है सेल्वा प्रभु तिरुमनन है, किस खेल के खिलाड़ी है, जंपर के खिलाड़ी। 20 साल के प्रियांशु अंडर 21 के वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, इनका संबंध किस खेल से है, तो 20 साल के जो प्रियांशु है वो अंडर 21 के वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, इनका संबंध है तीरंदाजी खेल के खिलाड़ी है। ठीक है, इसके खिलाड़ी है तीरंदाजी के खिलाड़ी है। लक्ष्य सेन कनाडा ओपन चैंपियन बने हैं, इनका संबंध किस खेल से है, तो लक्ष्य सेन है वो कनाडा ओपन 2023 के चैंपियन बन चुके हैं, इनका संबंध है बैडमिंटन के खिलाड़ी। ठीक है, किसके खिलाड़ी है, बैडमिंटन के खिलाड़ी है लक्ष्य सेन, और ये कनाडा ओपन चैंपियन 2023 से बन चुके हैं। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रिकर्व वर्ग में पार्थ सालुंके ने कौन सा पदक जीता है, तो एक विश्व भारतीय खिलाड़ी है, विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप के अंदर है रिकर्व वर्ग के अंदर पार्थ सालुंके ने कौन सा पदक जीता, तो ये जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, कौन सा जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, हाल ही में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निक्की मैक्रे पेंसन का निधन हो चुका है, इनका संबंध किस खेल से है, लगा लो स्टार, पक्का एग्जाम के अंदर टपकेगा ये, जब जब ओलंपिक कोई स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो चुका होता है वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है पूछा जाता है, तो ये किस खेल की खिलाड़ी थी, बास्केटबॉल की। ठीक है, किसकी थी, बास्केटबॉल। ठीक है, ये याद रखना अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, हाल ही में किस देश ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है, हाल ही में किस देश ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता, तो ये जीता है अपने देश भारत ने। किसने जीता है, अपने देश भारत ने जीता है। और जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, साथ साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे, क्योंकि बढ़िया तरीके से मैंने आपको बढ़िया तरीके से ये सारे क्वेश्चन करवाए हैं, ध्यान रखना। किस खिलाड़ी ने लुसाने डायमंड लीग 2023 में 87.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो वो कौन है, तो वो आपको पता है ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है नीरज चोपड़ा, कौन है, नीरज चोपड़ा, और ये इन्होंने लुसाने डायमंड लीग के अंदर 2023 में 87.66 मीटर में सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ सबसे टॉप स्थान हासिल किया। दीक्षा डागर ने चेक लेडीज ओपन में दूसरा खिताब जीता, इनका संबंध किस खेल से है, लगा लो स्टार इस क्वेश्चन को। ठीक है, डबल स्टार लगा सकते हो, बढ़िया,
दीक्षा डागर ने चेक लेडीज ओपन में दूसरा खिताब जीता है। इनका संबंध है बॉल फर की खिलाड़ी, ठीक है, किस खेल की है, बॉल फर की खिलाड़ी है दीक्षा डागर, और इन्होंने चेक लेडीज के अंदर ओपन में दूसरा खिताब जीता है। किस शहर ने भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की मेजबानी की है? किस शहर ने भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की मेजबानी की? तो ये की है, ध्यान रखना, दुबई ने। किसने की है? दुबई ने पहली बार महिला कबड्डी लीग की मेजबानी की है, ठीक है। किस राज्य ने प्रीमियर हैंडबॉल लीग का पहला सीजन जीत लिया है? किस राज्य ने प्रीमियर हैंडबॉल लीग का पहला सीजन जीता है? तो ये जीता है, ध्यान रखना, महाराष्ट्र ने। किसने जीता है? महाराष्ट्र ने पहली बार प्रीमियर हैंडबॉल लीग का पहला सीजन जीत लिया है। किस देश ने महिला एशिया कप बास्केटबॉल का टाइटल जीता है? किस देश ने महिला एशिया कप बास्केटबॉल का टाइटल जीता? तो ये जीता है चीन देश ने, ऑप्शन नंबर सी। किसने जीता है? चीन ने पहली बार महिला एशिया कप बास्केटबॉल का टाइटल जीता है। युकी भांभरी ने पहला एटीपी युगल खिताब जीता है, इनका संबंध किस खेल से है? कौन है? युकी भांभरी, ठीक है, इन्होंने पहला एटीपी युगल खिताब जीता, इनका संबंध किस खेल से है? ये किस खेल के खिलाड़ी हैं? ये हैं टेनिस के खिलाड़ी, ठीक है, याद रखना, किस खेल के टेनिस के खिलाड़ी हैं। महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए साइन होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए साइन होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन चुकी है, कौन है? श्रेयंका पाटिल, ऑप्शन नंबर एक। कौन बन चुकी है? श्रेयंका पाटिल बन चुकी है। सेफ चैंपियनशिप 2023 फाइनल किताब किस टीम ने जीता है? सेफ चैंपियनशिप 2023 का जो फाइनल किताब है वो किसने जीता है? तो ये जीता है, ध्यान रखना, अपने देश भारत ने, ठीक है। किसने जीता है? अपने देश भारत ने, इसकी मेजबानी की थी और भारत ने इसकी जो है फाइनल किताब जीत लिया है। हाल ही में 132वें ड्रोन्ड कप टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? हाल ही में 132वें ड्रोन्ड कप टूर्नामेंट का जो आयोजन है वो किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कोलकाता के अंदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक। कहां पर किया जाएगा? कोलकाता में इसका आयोजन किया जाएगा। भारत के किस खिलाड़ी ने नेशनल कॉलेज टेबल टेनिस एसोसिएशन पुरुष एथलेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? भारत के ऐसे कौन से खिलाड़ी है जिन्होंने नेशनल कॉलेज टेबल टेनिस एसोसिएशन पुरुष एथलीट का पुरस्कार जीता? तो वो है मुदित धानी, ऑप्शन नंबर ए। कौन है? मुदित धानी। किस भारतीय खिलाड़ी को 2022-23 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो ऐसे कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं जिनको 2022-23 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया? और उनका नाम है, कौन है? लालिया ज्वाला छांगटे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन है? ऑप्शन नंबर बी, लालिया ज्वाला छांगटे, इनको, ये भारतीय खिलाड़ी हैं, इनको 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है। भारत ने स्पेशल ओलंपिक गेम्स में कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने स्पेशल ओलंपिक गेम्स में कुल कितने पदक जीते? तो ये जीते हैं 202। कितने जीते हैं? इसका आयोजन कहां पर किया गया? जर्मनी के बर्लिन शहर में। कहां पर किया गया? जर्मनी के बर्लिन शहर के अंदर इसका आयोजन किया गया ओलंपिक गेम्स का, और भारत ने 202 पदक जीते हैं। भारतीय खिलाड़ी अहिका मुखर्जी और सुथिता मुखर्जी ने WTT कंटेंडर टाइटल जीत लिया है, इनका संबंध किस खेल से है? तो भारतीय खिलाड़ी है दो, कौन कौन है? एक तो है अहिका मुखर्जी, एक है सुथिरता मुखर्जी, इन्होंने WTT कंटेंडर टाइटल जीत लिया, इनका संबंध है टेबल टेनिस के खिलाड़ी, ठीक है, किसकी है? टेबल टेनिस की ये खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय खेलों के लिए 37वें संस्करण के लिए शुभंकर मोगा किसने लॉन्च किया है? अब की बार आपको पता है जो 37वें राष्ट्रीय खेल होंगे वो होंगे गोवा के अंदर, ठीक है, और 36वें कहां पर हुए थे? वो हुए थे गुजरात के अंदर, ठीक है, कहां पर है? गुजरात के अंदर 36वें हुए, और 37वें कहां पर हुए? गोवा में। तो इसके लिए शुभंकर मोगा किसने लॉन्च किया? गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत ने इसको लॉन्च किया है, तो 37वें कहां पर होंगे? गोवा के अंदर, ठीक है। हाल ही में किस देश ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप का खिताब जीता है? हाल ही में किस देश ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप का खिताब जीता? ये जीता है अपने देश भारत ने। किसने जीता है? अपने देश भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप का खिताब जीता है। भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने 19 जून को एशिया फेंसिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने 19 जून को एशिया फेंसिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक, ठीक है, कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। कौन सा देश पहली बार इमर्जिंग एशिया कप चैंपियन बना है? कौन सा देश है
पहली बार इमर्जिंग एशिया कप चैंपियन बना तो वो बन चुका है अपना देश भारत। ठीक है, कौन सा बन चुका है? पहली बार जो भारत देश है वो इमर्जिंग एशिया कप चैंपियन बन चुका है। फुटबॉल इतिहास में 200 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? फुटबॉल इतिहास के अंदर 200 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं, कौन है? क्रिस्टो रोनाल्डो। कहाँ के हैं ये हैं पुर्तगाल के रहने वाले क्रिस्टो रोनाल्डो, और ये फुटबॉल इतिहास के अंदर 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। तो रोनाल्डो है ये एक नंबर पे है, अल मुतावा कुवैत ये दो नंबर पे है, और सोहेद चीन एंड मलेशिया ये हैं तीन नंबर के, और अहमद हसन है ये है चार नंबर के। चारों के चारों मैंने आपको करवा दिए हैं। भारतीय खिलाड़ी मुरली श्री शंकर ने पेरिस डायमंड लीग के अंदर भारत के लिए पहला कौन सा पदक जीता है? इसको आप डबल स्टार कर सकते हो, एग्जाम के अंदर टपकेगा कि भारतीय खिलाड़ी मुरली श्री शंकर ने पेरिस डायमंड लीग के अंदर भारत के लिए कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। कौन सा? भारत के लिए कांस्य पदक है जीता है। फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन है? फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम है उरुग्वे। ठीक है, कौन है? उरुग्वे है, और उरुग्वे ने फाइनल के अंदर किसको हराया? इटली को। ठीक है, ये इटली है, इटली को हराया था फाइनल के अंदर। ठीक है, किसको हराया? इटली को। ठीक है, उरुग्वे की अंडर 20 फुटबॉल टीम ने इटली को हराकर अपना पहला अंडर 20 विश्व खिताब जीता है। किसने? उरुग्वे टीम ने खिताब है जीता है। ISSF जूनियर विश्व कप में 15 पदकों के साथ कौन सी टीम पदक तालिका में सबसे टॉप पर है? तो ISSF जूनियर विश्व कप 2023 में 15 पदकों के साथ कौन सी टीम सबसे टॉप पर है? तो वो है, ध्यान रखना, कौन सी टीम है? भारतीय टीम। ठीक है, कौन सी है? भारत सबसे टॉप पर है। देखो मुख्य तथ्य, जर्मनी के सुहल में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप जूनियर में भारत शीर्ष पर रहा है, जिसमें 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य सहित 15 पदक जीते हैं। कहां पर आयोजित किया गया? जर्मनी के अंदर इसका आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने टोटल 15 पदक जीते, उसके अंदर 6 स्वर्ण पदक जीते, 6 रजत जीते और 3 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष सिंगल्स में फाइनल खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन 2023 के अंदर पुरुष सिंगल्स के अंदर फाइनल खिताब किसने जीता? ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने खिताब जीता है। देखो, नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन फाइनल में केस्पर रूड पर जीत के साथ अपना पुरुष रिकॉर्ड 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है, और फ्रेंच ओपन 2023 में महिला सिंगल्स का खिताब इग्गा स्विस्टिक्स ने जीता है। ठीक है, ये दोनों मैं साथ साथ लेकर चल रहा हूँ। अगर कोई भी इसका खिताब जीता है तो इसमें पुरुष वाला भी मैं आपको बता देता हूँ और महिला वाला भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 23वां ग्रैंड स्लैम किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने, और महिला के अंदर किसने जीता है? इग्गा स्विस्टिक ने जीता है। ठीक है, किस देश ने महिला जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है? किस देश ने महिला जूनियर एशिया कप का खिताब जीता? तो ये जीता है अपने देश भारत ने। किसने जीता है? अपने देश भारत ने पहली बार महिला जूनियर एशिया कप का खिताब जीता। देखो, भारत ने 4 बार के चैंपियन दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है। किसको हराया? दक्षिणी कोरिया को हराकर जीता है। ठीक है, किस टीम ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है, और फाइनल के अंदर किसको रहा? अपने देश भारत को रहा। ठीक है, किसको रहा? अपने देश भारत को। ऑस्ट्रेलिया ने द ओवल में रोमांचक WTC फाइनल में भारत पर 209 रन की शानदार जीत हासिल करते हुए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो भारत पर 209 रन की शानदार जीत हासिल की थी, और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगला क्वेश्चन, धनुष श्रीकांत ने ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? तो कौन है धनुष श्रीकांत? ये इन्होंने ISSF जूनियर वर्ल्ड कप के अंदर भारत के लिए इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? भारत के लिए इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। IPL 2023 के फाइनल में कौन सी टीम 5वीं बार चैंपियन बनी है? तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको सभी को पता है कौन बन चुकी है। चेन्नई सुपर किंग्स है, ये लगातार आपको पता है 5वीं बार चैंपियन बन चुकी है। अब की बार IPL 2023 का फाइनल मुकाबला हुआ ना, उसके अंदर 5वीं बार है वो चेन्नई सुपर किंग्स है टीम है, वो बन चुकी है। मलेशिया मास्टर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? मलेशिया मास्टर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है HS पंडे ने। ऑप्शन नंबर 1 किसने जीता है? HS पंडे ने खिताब जीता है। किस राज्य ने 13वां हॉकी इंडिया सब जूनियर
पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब जीता है? किस राज्य ने 13वां हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो ये जीता है उत्तर प्रदेश ने। किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने जीता है। कौन सी टीम चौथी बार जूनियर एशिया हॉकी चैंपियन बनी है? कौन सी टीम है चौथी बार जूनियर एशिया हॉकी चैंपियन बन चुकी है? तो वो बन चुकी है अपना देश भारत। कौन सी टीम बन चुकी है? अपना जो भारतीय टीम है वो चौथी बार जूनियर एशिया हॉकी चैंपियन बन गई है। इटालियन ओपन 2023 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? इटालियन ओपन 2023 के अंदर पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। याद रखना, किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने इटालियन ओपन 2023 के अंदर पुरुष युगल का खिताब जीता है। कोपा इटालिया का 9वीं बार खिताब किस टीम ने जीता है? कोपा इटालिया, तो कोपा इटालिया का 9वीं बार खिताब जीता है किस टीम ने? ये जीता है इंटर मिलान ने। किसने जीता है? इंटर मिलान ने कोपा इटालिया का 9वीं बार खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक किस खिलाड़ी ने पहली बार पुरुषों की जेवेलिन में नंबर वन रैंकिंग हासिल की है? तो टोक्यो ओलंपिक कौन से ऐसे खिलाड़ी है, टोक्यो ओलंपिक है जिस खिलाड़ी ने पहली बार पुरुषों की जेवेलिन नंबर वन रैंकिंग हासिल की, और वो है नीरज चोपड़ा। कौन है? टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है नीरज चोपड़ा। इन्होंने पहली बार पुरुषों की जेवेलिन नंबर वन में रैंकिंग हासिल की है। सेफ चैंपियनशिप 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये किया गया, आपको पता है कहां पर किया गया है, इसका आयोजन किया गया, ध्यान रखना, बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, कहां पर किया गया? बेंगलुरु के अंदर। और इसका जो खिताब किसने जीता था, वो भारत टीम ने पहली फाइनल के अंदर खिताब जीता था। ठीक है, किस टीम ने 27वीं बार स्पेशनिस ला लीगा का खिताब जीता है? ऐसी कौन सी टीम है जिसने 27वीं बार स्पेशनिस ला लीगा का खिताब जीता? तो ये जीता है बार्सिलोना ने, ऑप्शन नंबर बी। किसने जीता है? बार्सिलोना ने 27वीं बार स्पेशनिस ला लीगा का खिताब जीता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का बहुप्रतीक्षित तीसरा संस्करण किस राज्य में हुआ है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण किस राज्य में हुआ? यह हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, कहां पर हुआ है? उत्तर प्रदेश के अंदर है, हो चुका है। साउथ एशियन यूथ टीटी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो साउथ एशियन यूथ टीटी चैंपियनशिप 2023 के अंदर भारत ने 16 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने? भारत ने 16 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? लगा लो स्टार, एग्जाम के अंदर टपकेगा। तो भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं केवी पंडित। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक इसका उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे 81वां पूछे तो वो है, कौन है? साइंतन दास। ठीक है, 81वां आपसे पूछे तो वह है साइंतन दास, और 82वां आपसे पूछे तो वह है केवी पंडित बन चुके हैं। विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग किस देश में हुआ है? तो विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग किस देश में हुआ है? तो ये हुआ है दुबई के अंदर। कहां पर हो चुका है? दुबई के अंदर शुरू हो चुका है। टोक्यो पैरा ओलंपिक चैंपियन प्रमोद भगत ने थाईलैंड इंटरनेशनल में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक चैंपियन में प्रमोद भगत ने थाईलैंड इंटरनेशनल में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो ये जीते हैं 2 स्वर्ण पदक। कितने जीते हैं? 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन सी टीम नंबर 1 पर पहुंच चुकी है? आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के अंदर कौन सी टीम नंबर 1 पे है? तो वो है भारतीय टीम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 कौन सी टीम है? भारतीय टीम है, वो सबसे टॉप पर है। लुका ब्रसेल ने स्नूकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है, इनका संबंध किस देश से है? तो लुका ब्रसेल ने स्नूकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता, इनका संबंध किस देश से है? तो ये है कहां के? बेल्जियम के रहने वाले, ऑप्शन नंबर डी। कहां के हैं? बेल्जियम के रहने वाले। किस खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 में 88.67 मीटर थ्रो के साथ जीत हासिल की? तो वो है, आपको पता है कौन है, वो है नीरज चोपड़ा। ये मैंने अभी आपको बताया कौन है, नीरज चोपड़ा। कौन सी महिला टेनिस खिलाड़ी दूसरी बार मैड्रिड ओपन का खिताब जीता है? कौन सी महिला टेनिस खिलाड़ी है जिसने दूसरी बार मैड्रिड ओपन का खिताब जीता, और उनका नाम है आर्याना संबालेका, ऑप्शन नंबर 1। कौन है? आर्याना संबालेका। कौन सी टीम 2014 के बाद पहली बार कोपा डेलरे चैंपियन बनी है? कौन सी टीम है 2014 के बाद में क्या है, पहली बार कोपा डेलरे चैंपियन बन चुकी है? और वो है रियल मैड्रिड, ऑप्शन नंबर सी। कौन है? रियल मैड्रिड। अगला क्वेश्चन, जेरेमी लाल ढूंगा ने एशिया भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पुरुषों के 67 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? कौन है?
जेरेमी लाल रुंगा, इन्होंने एशिया भारोत्तोलन चैंपियनशिप के अंदर पुरुषों के 67 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता है। कौन सा जीता है? रजत पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, विश्व चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कितने पदक जीते हैं? विश्व चैंपियनशिप के अंदर भारतीय मुक्केबाजों ने कितने पदक जीते? तो ये जीते हैं 3 पदक। ठीक है, कितने जीते हैं? 3 पदक जीते हैं। अनुभवी खिलाड़ी अरुण सिंह का निधन हो चुका है, इनका संबंध किस खेल से है? तो एक अनुभवी खिलाड़ी थे अरुण सिंह और इनका हाल ही में निधन हो चुका है, इनका संबंध किस खेल से था? तो ये है, ध्यान रखना, टेबल टेनिस के खिलाड़ी। ठीक है, किसके हैं? टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2023 में किस राज्य में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे? तो अभी मैंने आपको बताया, अब की बार जो 37वें राष्ट्रीय खेल होंगे वो होंगे गोवा के अंदर। ठीक है, और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत है वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री। और 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होंगे? अक्टूबर 2023 के अंदर 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? गोवा के अंदर किया जाएगा। नंदनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है, इनका संबंध किस राज्य से है? तो नंदनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता और यह है राजस्थान की रहने वाली। कहाँ की है? राजस्थान के इनका संबंध है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में अमन सहरावत ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के अंदर अमन सहरावत ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता? इन्होंने एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा शहर एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी की मेजबानी करेगा? कौन सा शहर एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा चेन्नई शहर। कौन सा करेगा? चेन्नई शहर इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, कौन सा शहर जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी की है? ऐसा कौन सा शहर है जिसने जून 2023 के अंदर इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी की है? और वो की है किसने? वो की है भुवनेश्वर ने। ठीक है, किसने की है? भुवनेश्वर ने इसकी मेजबानी की है। अगला, इंडोनेशिया की जगह अंडर 20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंडोनेशिया की जगह अंडर 20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा अर्जेंटीना। ठीक है, कौन सा करेगा? अर्जेंटीना इसकी मेजबानी करेगा। फीफा रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष पर पहुंच चुकी है? फीफा रैंकिंग में आपको सभी को पता है, फीफा रैंकिंग के अंदर सबसे टॉप पर है अर्जेंटीना। और भारत की कौन सी रैंकिंग आ गई? 100वीं रैंकिंग आ चुकी है, यानी कि 100 नंबर पे आ चुका है भारत फीफा रैंकिंग के अंदर। ठीक है, इसके अंदर आपसे भारत की रैंकिंग पूछे तो भारत की इसमें 100वें नंबर के अंदर रैंकिंग आ चुकी है। और पहला स्थान किसका है? अर्जेंटीना का पहला स्थान है इसके अंदर। वर्ष 2022 के लिए हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? ये किया गया, ध्यान रखना, गुरु बख्श सिंह को। ऑप्शन नंबर बी, किसको दिया गया है? गुरु बख्श सिंह को 2022 का हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। प्रियांशु राजावत ने ऑरलियंस मास्टर्स का टाइटल जीत लिया है, इनका संबंध किस खेल से है? तो प्रियांशु राजावत ने ऑरलियंस मास्टर का टाइटल जीत लिया है, इनका संबंध किस खेल से है? तो ये है बैडमिंटन के खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, किसके खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। 84वीं सीनियर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया? तो 84वीं सीनियर है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर। कहां पर किया गया? जम्मू कश्मीर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी ने विश्व शतरंज आर्मागेडन एशिया और ओशेनिया इवेंट में खिताब जीता है? ऐसे कौन से खिलाड़ी है जिसने विश्व शतरंज आर्मागेडन एशिया के अंदर एशिया और ओशेनिया इवेंट के अंदर खिताब जीता? तो वो जीता है, ध्यान रखना, किसने? डी गुकेश ने। ऑप्शन नंबर ए, किसने जीता है? डी गुकेश ने जीता है। कौन सी टेनिस खिलाड़ी महिला पहली बार मियामी ओपन चैंपियन बनी है? कौन सी टीम है महिला टेनिस खिलाड़ी है जो पहली बार मियामी ओपन चैंपियन बनी? तो वो बन चुकी है पेत्रा क्विटोवा। ऑप्शन नंबर सी, कौन बन चुकी है? पेत्रा क्विटोवा। ये पहली बार महिला टेनिस खिलाड़ी है, पहली बार मियामी ओपन चैंपियन बन चुकी है। नेक्स्ट है, किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर का 88 साल में निधन हो चुका है? तो ये आपको सभी को पता है, एक भारतीय पूर्व क्रिकेटर थे 88 साल में जिनका निधन हो चुका है, उनका नाम है सलीम दुर्रानी। ठीक है, कौन थे? सलीम दुर्रानी। मियामी ओपन चैंपियन 2023 में पुरुष साइकिल का खिताब जीता है। तो अभी मैंने आपको बताया, मियामी ओपन चैंपियन में महिला का खिताब किसने जीता? पेत्रा क्विटोवा ने। ठीक है, पेत्रा क्विटोवा ने महिला का खिताब जीता। और अगर पुरुषों की बात आए तो वो जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। ऑप्शन नंबर एक, इसने जीता है पुरुषों के अंदर मियामी ओपन 2023, डेनियल मेदवेदेव ने जीता है।
मैड्रिड स्पेन मास्टर 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है किसने, ये जीता है। ऑप्शन नंबर एक ग्रोगोरिया मारिस्का तुनजुंग, ऑप्शन नंबर एक, ठीक है, ग्रोगोरिया मारिस्का तुनजुंग ने मैड्रिड स्पेन मास्टर 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है। किस देश ने चौथा एशियाई खो खो खिताब जीता है? किस देश ने चौथा एशियाई खो खो खिताब जीता, ये जीता है अपने देश भारत ने। किसने जीता है? अपने देश भारत ने पहली बार चौथा एशियाई खो खो खिताब जीता है। भोपाल में आयोजित ISSF निशानेबाजी वर्ल्ड कप 2023 में भारत के लिए एकमात्र कौन सा पदक जीता है? तो भोपाल के अंदर आयोजित हुई थी ISSF निशानेबाजी वर्ल्ड कप 2023, इसके अंदर भारत ने एकमात्र कौन सा पदक जीता, तो भारत ने एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? भारत ने एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। किम कॉन्टन अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बन चुकी है, इनका संबंध किस देश से है? तो किम कॉन्टन है वो अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बन चुकी है, इनका संबंध है न्यूजीलैंड देश से, ठीक है। किस देश से है? न्यूजीलैंड देश की ये खिलाड़ी है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में किन दो खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के अंदर एक तो है MC मेरी कॉम, एक है फरहान अख्तर, इन दोनों खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किन चार भारतीय महिला बॉक्सर ने अलग अलग वजन श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीतने में सफल रही? तो भारतीय मुक्केबाजों ने चार महिलाओं ने स्वर्ण पदक जीता, एक तो इसके अंदर है स्वीटी बूरा 81 किलोग्राम, यूलो बलिना बोरगोहेन 75 किलोग्राम, निखत जरीन 50 किलोग्राम में, और नीतू गांगांस ने 48 किलोग्राम के अंदर चार स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं। तो इन चारों का संबंध किस खेल से है? यह है मुक्केबाजी की खिलाड़ी, और इन्होंने भारत के लिए इन्होंने चार स्वर्ण पदक दिलाया है। महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का फाइनल खिताब किस टीम ने जीता है? तो आपको सभी को पता है पहली बार महिला प्रीमियर लीग का अब की बार जो आयोजन है वो किया गया है मार्च 2023 में, ठीक है। मार्च 2023 के अंदर पहली बार महिला IPL का पहला संस्करण इसका आयोजन किया गया, और पहली बार खिताब जीता है मुंबई इंडियंस ने। किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है। ईरानी कप 2022-23 में फाइनल खिताब किस टीम ने जीता है? ईरानी कप 2022-23 के अंदर फाइनल खिताब जीता है रेस्ट ऑफ इंडिया ने, ऑप्शन नंबर ए। किसने जीता है? रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता है। दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंट सेफ चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंट सेफ चैंपियनशिप का आयोजन है वो किया गया था, आपको पता है, बेंगलुरु के अंदर। कहां पर किया गया? बेंगलुरु के अंदर इसका आयोजन किया गया था। BNP परिवास ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? BNP परिवास ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब जीता है, एक है रोहन बोपन्ना, एक है मैट एबडेन, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो इन दोनों ने किया है BNP परिवास ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब जीता है। किसने एशियाई बिलियनियर्स का खिताब बरकरार रखा है? लगा लो स्टार पक्का ही टपकेगा। किसने एशियाई बिलियनियर्स का खिताब बरकरार रखा? तो ये रखा है पंकज अडवाणी ने, ठीक है। किसने रखा है? पंकज अडवाणी ने जीता है। किस शहर के हॉकी स्टेडियम को भारतीय टीम की स्टार हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है? यानी कि किस शहर का हॉकी स्टेडियम है जिसका जो नाम है वो भारतीय टीम की स्टार हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया रायबरेली का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, रायबरेली का एक हॉकी स्टेडियम है जिसका नाम रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। स्विस ओपन 2023 में युगल खिताब किसने जीता है? तो स्विस ओपन 2023 में पुरुष युगल के अंदर खिताब जीता, एक तो है सत्विक असेराज रैंकी रेड्डी, एक है चिराग सेट्टी। तो इन दोनों ने स्विस ओपन में युगल खिताब जीता, इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है दोनों। तो जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं सारे विद्यार्थी वीडियो को साथ साथ में लाइक शेयर करते रहना। बढ़िया तरीके से मैं आपको ये क्लास खेल खिलाड़ी की दे रहा हूँ, बढ़िया तरीके से। लगभग मैं आपको यहाँ से आज इसकी इस क्लास के अंदर 100 से ज्यादा मैं आपको लगभग यहाँ से खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। किस महिला हॉकी खिलाड़ी को AHF एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? ये किया गया सलीमा टेटे को, ऑप्शन नंबर एक। किसको किया गया? सलीमा टेटे को नियुक्त किया गया। किस राज्य ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता? और ये क्वेश्चन तो UERO के अंदर आ चुका है, तो ये जीता है कर्नाटक ने, ठीक है। किसने जीता है 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी का खिताब? किसने जीता? कर्नाटक ने जीता है, और ये क्वेश्चन है UERO के अंदर आ चुका है, ठीक है। किसके अंदर है? UERO के अंदर आ चुका है।
2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? ये जीता है, ध्यान रखना, किसने? मीराबाई चानू ने। किसने जीता है? मीराबाई चानू ने जीता है। किस देश ने महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है? किस देश ने महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है छठी बार। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार ये खिताब जीता है। ठीक है, किसने? महिला T20 किसने जीता छठी बार है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किस खिलाड़ी ने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? किस खिलाड़ी ने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष का पुरस्कार जीता? तो ये जीता है क्रिस्टो रोनाल्डो ने। ऑप्शन नंबर ए, किसने जीता है? क्रिस्टो रोनाल्डो ने जीता है। 26 फरवरी को वेम्बले में खेला गया लीग कप का फाइनल मुकाबला किस टीम ने जीता है? 26 फरवरी को वेम्बले में खेला गया लीग कप का जो फाइनल मुकाबला है, ये जीता है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। ऑप्शन नंबर ए, किसने जीता है? मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीता है। कौन सा देश 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करेगा? कौन सा देश है 2027 के अंदर फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा सऊदी अरब। कौन सा करेगा? सऊदी अरब इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, बड़े शानदार तरीके से मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगला, भारत के बास्केटबॉल दिग्गज और अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है जिनका 15 नवंबर 2022 को देहांत हो गया? और ये क्वेश्चन सीधा का सीधा सीटी के अंदर टपका था। ठीक है, सीटी का एग्जाम हुआ था ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था और उनका नाम है, आपको बताया है, गुलाम अब्बास मुंडसिर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या नाम है? गुलाम अब्बास मुंडसिर है। ये भारत के बास्केटबॉल दिग्गज और अर्जुन पुरस्कार विजेता है जिनका 15 नवंबर 2022 को इनका देहांत हो गया था। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने केन्या लेडीज ओपन खिताब जीता है? ये भी क्वेश्चन यूआरओ के अंदर आया था। ठीक है, ये मैंने आपको करवाया था और ये क्वेश्चन यूआरओ के अंदर आया कि किस भारतीय खिलाड़ी ने केन्या लेडीज ओपन का खिताब जीता? तो वो किसने जीता है? अदिति अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने जीता है? अदिति अशोक ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सिंगल्स की चैंपियन कौन बनी है? ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सिंगल्स की चैंपियन बनी है, कौन है? वो बनी है आर्याना संबालेका। कौन बन चुकी है? आर्याना संबालेका बन चुकी है। एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीता है जर्मनी ने। ठीक है, किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है। पुरुष क्लब वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पुरुष क्लब वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा अपना देश भारत। कौन सा करेगा? अपना देश भारत इसकी मेजबानी करेगा। टाटा स्टील मास्टर 2023 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? टाटा स्टील मास्टर 2023 का खिताब जीता है अनीस गिरी ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने जीता है? अनीस गिरी ने जीता है। किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ऑफ क्राउन 2023 जीता है? हाल ही में किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता? ये जीता है लक्ष्मण रावत ने। ऑप्शन नंबर ए, किसने जीता है? लक्ष्मण रावत ने जीता है। और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखो, इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का फाइनल खिताब किसने जीता है? किसके अंदर है? इंडिया ओपन बैडमिंटन 2023 के अंदर महिला एकल का फाइनल खिताब जीता है अन सिंह ने। ठीक है, किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी, अन सिंह ने जीता है। तो ये लगभग आज के मैंने आपको 100 से ज्यादा खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज के 70 क्वेश्चन ये और पहले वाले और थे। लगभग मैंने 100 से ज्यादा आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दिए हैं। कुछ आपको मुख्य तथ्य के साथ भी मैंने आपको डिटेल करवा दी और लगभग मैं आपको पता है लगभग ये 30 से 35 मिनट की आपके लिए मैंने क्लास दी और लगभग जनवरी से लेकर मैंने जुलाई तक आपको पूरा निचोड़ आपको मैंने खेल प्रदर्शन का अलग से मैंने आपको क्लास दे दी है। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, इसलिए मैंने आपको लगातार मैं आपको क्लास देता रहूंगा ताकि आपका जो करंट है वो एकदम तैयार होता जाएगा और आपको इधर उधर भटने की जरूरत नहीं है। बस आप सुबह निरंतर आप बने रहिए क्योंकि सुबह मेरी 6 बजे करंट की क्लास आती है बढ़िया तरीके से, वो आप जरूर ज्वाइन करें। और उसके बाद और मैंने आपको एक सीरीज भी चला रखी है, ये आपको पता है कौन सी सीरीज है, ये सीरीज आपको मैंने चला रखी है। ठीक है, इसकी क्लास हो सकता है आपको शाम को 4 बजे तक मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो इसकी सूचना आपको टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी और कल आपको इसकी सीरीज आपको मिल जाएगी। हो सकता है 4 बजे आपको क्लास मिल ही जाए या नहीं मिले, वो अलग बात है। ठीक है, तो आपको ये सीरीज आपको मिल जाएगी और हमारे ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है पूरे साल की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, ये आप जरूर ज्वाइन करें। और सूचना सहायक के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, सूचना सहायक के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है, संगणक के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर, ये भी आप जरूर ज्वाइन करें। तो ये आज की अपनी क्लास थी।
ठीक है, खेल प्रदर्शन की। सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा जाते लाइक शेयर करते रहना बढ़िया तरीके से, और सुबह मेरी 6 बजे आपको लगातार मेरी क्लास आपको मिलती है। बस आप निरंतर पढ़ते रहिए, आप मेहनत मेरे साथ करते रहिए, आपका करंट का क्वेश्चन एक भी गलत है नहीं होगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।